धार देवास चापड़ा के करीब शिवपुर जैन तीर्थ के जैन मंदिर में डकैती के साथ ही नकबजनी के दो मामलों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, तीन अभी भी फरार हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 लाख रुपए का माल जब्त किया है। जिले के अलग अलग स्थानों पर हुई वारदातों में धार झाबुआ की भील गैंग के हाथ आए, जो की स्थानीय संपर्क बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। किसी को शक नहीं हो इसके लिए गिरोह के सातों सदस्य इंदौर में रहकर मजदूरी करने का नाटक किया करते थे। वहां से आसपास के क्षेत्रों में रैकी करते व रात के समय धावा बोलकर वारदात को अंजाम देते थे। वारदात के लिए इन बदमाशों ने एक कार रख रखी थी, जिसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। चापड़ा के करीब के जैन मंदिर में भी इन बदमाशों ने सावन माह में रैकी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी ने बताया कि मातमोर जैन मंदिर डकैती के साथ ही अन्य दो नकबजनी का पर्दाफाश कर पुलिस ने कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के आधार पर एसपी सोलंकी ने जांच के लिए टीम का गठन किया गया। टीम ने क्षेत्र के घटनास्थल से प्राप्त सूत्रों के आधार पर क्षेत्र के आसपास रहने वाले संदिग्धों, काम करने वाले मजदूरों व बाहरी लोगों की जानकारी एकत्र करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार ज्वार सिंह के नाम की हाल पिपलिया से चोरी गए सोने चांदी के जेवर कुल कीमत 4 लाख रुपए, उदयनगर से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर कुल कीमत 4 लाख रुपए, मातमोर मंदिर से चोरी किए गए चांदी के बर्तन, थाली, दीपक, मुकुट, चिल्लर कीमत 2 लाख रुपए जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में कुख्यात फरार आरोपी परम भील की गिरफ्तारी भी की गई, उम्मीद जागी है। सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 50,000 से अधिक नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। आज मातमोर के प्रसिद्ध जैन श्वेतांबर मंदिर में जो अगस्त महीने में बड़ी चोरी की घटना हुई थी, आज उसका खुलासा किया गया है। इस चोरी की घटना को 6 आरोपियों द्वारा, बदमाशों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। 4 आरोपियों को हमने इसमें अरेस्ट कर लिया है, इसमें एक सहायक था। इस तरह से कुल 7 अपराधियों द्वारा इस अपराध को अंजाम दिया है। इसमें लगभग 10 लाख से अधिक का हमने मशरूम का बरामद किया है। मैं बताना चाहता हूँ, इस मातमोर के प्रसिद्ध जैन मंदिर की चोरी के साथ साथ बागली और हाट पिपलिया में जो बड़ी चोरियां हुई थी, उन चोरियों की भी मुलजिम यही है। इनके द्वारा इसको कबूल कर लिया गया है और इसमें भी जो इनके द्वारा गहने, जो नगद राशि चुराई गई थी, वो भी पुलिस ने जब्त की है। ये पूरी कार्रवाई एडिशनल SP कन्नौर डॉक्टर नीरज चौरसिया, SDOP बागली सिसोदिया जी, थाना प्रभारी बागली, थाना प्रभारी हाट पिपलिया, उदयनगर, इन सबकी टीम ने, साइबर की टीम ने मिलकर इस वारदात में शामिल बदमाशों को धर दबोचा है। ये बहुत बड़ी सफलता है। इन पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और जो नगद इनाम हमने पूर्व में घोषित किया है वो सब नगद इनाम जब्त हुई है। आरोपियों के पास, इसमें आरोपियों के पास से जैन मंदिर से जो इन्होंने बर्तन चुराए थे, भगवान महावीर की जो अंगी चुराई थी, वो बर्तन हमने जब्त किए हैं। चांदी के बर्तन हैं, कुछ चांदी के वस्त्र हैं। इसके साथ साथ जो दान पेटी को तोड़ा था उसकी नगद 20,000 की राशि थी, वो राशि इनके पास जब्त किए। हाट पिपलिया और बागली, हाट पिपलिया और उदयनगर में जो इन्होंने चोरी का अंजाम किया था, उसका भी नगद और उसकी भी ज्वेलर हमको प्राप्त हुई। सर, इसमें एक आरोपी फरार है परम नाम का, जिसपे अन्य राज्यों की पुलिस, अन्य राज्यों में भी उसने वारदातों का अंजाम दिया है। क्या लग रहा है, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में उसकी गिरफ्तारी संभव है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, बहुत जल्दी परम को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। ये अपराधी जिसके ऊपर हैदराबाद, महाराष्ट्र, राजस्थान, कई सारे राज्यों की पुलिस को ढूंढ रही है। बड़ा कुख्यात अपराधी है और बहुत जल्दी हम आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि अपराधी भी जेल की सलाह को। इनका कोई रिमांड लिया गया है सर? जी हाँ, इनका पुलिस PR लिया गया। कितने दिनों का है सर? अभी इनका 3 दिन का इनका PR अभी। सर, बताया जा रहा है कि कार से घूम गए, कार भी जब्त हुई और वो घटना में इस्तेमाल भी करते हैं। जी हाँ, जुहार सिंह जो है उसकी कार इसमें जब्त हुई है, जिसके पास स्विफ्ट डिजायर कार है। जैसा कि मैंने बताया, 7 आरोपियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया है। एक सहयोगी था, उस कार को चलाने का कार्य करता था। ये धार के अपने क्षेत्र से निकलते थे, वहाँ के टोल से हमने स्विफ्ट लिए हैं और ये कार यहाँ आती थी। कुछ दूरी पर एक कार खड़ी करते थे, चोरी का घटना अंजाम देने के बाद कार से वापस अपने अपने क्षेत्र में चले जाते थे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।